क्वेश्चन नंबर 10, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इसके इक्वल होगा। इसे प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार देख लो। 1 प्लस कॉस 2x हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, और 1 माइनस कॉस 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। किसी को डाउट हो कि भैया ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया, जो कि आप बहुत बार देख चुके हो, मैंने पहले भी कई बार दिखाया है। ये कॉस 2x का फॉर्मूला पता नहीं है, अगर आप माइनस 1 को इस साइड ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x, ये लिखा मैंने, जो कि इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, है कि नहीं। और अगर आप इसकी बात करो और इसकी बात करो, अगर 1 यहाँ पे है, कॉस 2x को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू, में इसको इधर ले आओ 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। तो अभी फिलहाल मैं करने क्या हो रहा हूँ, x की वैल्यू कॉस, यहाँ पे x लिखा है मैंने, यहाँ पे भी x है, तो x छोड़ के कुछ भी ले लो, ठीक है ना, क्योंकि x यूज़ हो चुका है यहाँ पे। तो कॉस थीटा लेने वाला हूँ मैं, या कॉस 2 थीटा, जो आपको मन कर ले लो, ज़्यादा देखने में अच्छा कॉस 2 थीटा लगेगा, इसलिए x की वैल्यू मैं लेट करने वाला हूँ। लेट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना फॉर्मूला है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी है और 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला भी है ना, है कि नहीं। यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, तो फॉर्मूला है जिसके कारण अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप x की जगह पुट करोगे तो सॉल्व हो जाएगी, अंडर रूट दोनों में हट जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 ही है, या तो कॉस थीटा पुट करो या कॉस 2 थीटा पुट करो, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये पुट करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने लेट कर लिया है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे कुछ मान लो, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार पूरा ना लिखना पड़े हमें। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस x है, और x की वैल्यू हमने cos 2 थीटा लेट करी है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस कॉस 2x हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, यहाँ पे थीटा है तो इक्वल होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है यहाँ पे, तो प्लस अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो और सॉल्व करो से, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, मतलब कॉस थीटा, एक ही बात है कि नहीं, अंडर रूट 2 फिर कॉस स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा माइनस है, फिर माइनस सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक। हर जगह अंडर रूट 2 है, कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, टेन इनवर्स ऊपर मैंने अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, कॉस थीटा यहाँ पे बचेगा और माइनस साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 2 यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या ये देखा देखा नहीं लग रहा है, ये बताओ कहाँ देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का, सेम टू सेम यही है यहाँ पे, वहाँ पे भी चाहो तो चेक कर लो आप, जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, चेक कर लो। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, कॉस से डिवाइड किया था जो भी ब्रैकेट के अंदर है, याद आया कुछ, तो आप लिख दोगे यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो लिख देना ये बात। उसके बाद क्या आएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 1 मिलेगा, फिर माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा मिल जाएगा, अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1
प्लस का प्लस साइन बाय कॉस टैन थीटा, याद आया कुछ? और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, किसका बनेगा, इसका बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, टेन एक्स माइनस वाई का क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है? तो बन रहा है क्या, बन तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा होगा अभी आपको, अब दिख जाएगा। अगर जिन्होंने वो क्वेश्चन कर रखा होगा ना, क्वेश्चन नंबर फाइव, उनको दिख गया होगा। वन को मैं लिखने वाला हूँ टेन पाई बाय फोर, एक ही बात है, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन ही होती है, माइनस टेन थीटा है, सेम टू सेम उतार दिया, अपॉन में वन की जगह वन लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे वन था, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ठीक? तो वन की जगह पे वन, यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस, फिर टेन एक्स इंटू वाई चाहिए, टेन एक्स मेरा ये है, टेन पाई बाय फोर इंटू में टेन थीटा। अब आप देख लो कि सेम है कि नहीं है, वन की जगह टेन पाई फोर एक ही बात है, माइनस टेन थीटा एक ही बात है, वन की जगह वन, और टेन पाई फोर इंटू टेन थीटा, टेन पाई फोर की वैल्यू वन होती है, वन इंटू टेन थीटा ही आएगा, सेम ही है ना, ये फॉर्मूला बन चुका है देखो इसका। और ये किसके इक्वल होता है, टेन एक्स माइनस वाई के, है ना, टेन एक्स देखो अब नीचे लिखा है ना माइनस, मैंने माइनस टेन वाई इज अपॉन में वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, हमारा इक्वल होता है टेन एक्स, नीचे देखो माइनस साइन है ना, टेन एक्स माइनस वाई। तो ये क्या आ गया मेरे पास, y की वैल्यू tan इनवर्स, tan x क्या है मेरा पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर माइनस थीटा, ठीक, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला, पाई बाय फोर माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है वो निकाल लो, बस काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखें, तो अगर मैं cos को उस साइड ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू टू को डिवाइड में ले आओ, वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू मिलेगी, है ना? तो ये पुट कर दो यहाँ पे और देख लो सेम आ रही कि नहीं आ रही, पाई बाय फोर माइनस थीटा जो कि हमारा वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक, सेम है ना जो प्रूफ करना था उसके। तो हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया, दिस इज आवर आंसर, ओके।